ऐसा हुआ था, मैं अपने मम्मी के घर पे गई थी, मम्मी मेरी बीमार थी 2 तारीख को, तो जो बच्चों के साथ आम बीनने के लिए चली गई, तो बच्चे वहाँ पर कोई मिले नहीं, तो अमन मिला अकेला, तो बोला कि चल बेटी तुझे आम देते, आम दे के 10 रुपये दे के बिलमा के ले गए चरी में, उसके साथ उसने दुर्घटना की। और जब उसने कहा कि घर पे आएंगे तो कह दी जान से मार देंगे, और फिर जब हम घर पे आए मम्मी घर से 4 तारीख को लौट के, तब फिर 5 तारीख को कुछ बात नहीं चली, 6 तारीख को हमारी जिठानी बोली कि ये बाग में चली जाती है आम खाने के लिए, से मैं नहीं रख पाऊँगी अपने साथ ले जाना, तो फिर अमन आ गया, तो उससे बोली कि अमन अबकी बार बागिया में गई तो मैं 10 रुपये दिए तुमने, अबकी बार जो जाए तो मैं रस्सी दूंगा आपको फांसी लगा देना। जब उससे अमन से बोला कि फांसी लगा दें, तो फिर लड़की बोलने लगी कि हाँ आप तो फांसी लगाओगे, हमें चरी में ले जाके मेरे साथ ये काम किया, दुर्घटना मेरे साथ की। तो आपको जब घटना का पता लगा फिर क्या किया आपने? अब मैं कप्तान साहब के पेश हुई थाने के लिए सूचना करने के लिए, मेरे ससुर ने 12:30 बजे रात के फ़ोन किया, तो मुकेश सूदिया घर पे आए, तो उनसे कहा तो उनने बोले कि तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, बच्ची की बात मानूंगी, बच्ची को बूझ के सारी बात गाँव के समाज के सामने और चले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक? इसने कार्रवाई तो की, मुकदमा लिख गया, फिर गिरफ्तार भी नहीं हुए, और जा कह रहे और डॉक्टर नहीं है, सो वो 2 लाख रुपए लेके बिक चुकी है, उसे नॉर्मल मेडिकल दे रही। तो आपके ऊपर किसी तरह का फैसले का दबाव बनाया गया था? हाँ, मुझसे फैसले के कह रहे थे, 3 लाख रुपए देते रहे थे कि फैसला कर लो, मैंने फैसला नहीं किया, तो जब कहीं फैसला नहीं करोगी तो जान से मार देंगे, रास्ता भी घेरते हैं हमारी, रास्ता नहीं निकलने देते, जहाँ कहीं जाते। अब आप क्या चाह रही हैं? मैं आप मुकदमा चाह रहे हैं, मेरी लड़की के साथ जो हुआ उसे दंड मिलना जरूरी है। जैसा कि उनकी माता ने बताया कि 2 महीने 1 महीने पहले की घटना है, तो उस समय इन्होंने कोई संपर्क नहीं किया, यद्यपि इसमें तत्काल मैंने SHO सकीट से बात किया है और ये लोग वहाँ जा भी रहे हैं, और CMO साहब को भी मैंने निर्देशित कर दिया है, और इसमें आवश्यकता होगी तो मेडिकल कराया जाएगा, और जो भी दोषी हैं, कोई रास्ते का भी विवाद है इनका, और तो वो भी हो सकता है कि उसके लिए भी दबाव इनके ऊपर बनाया जा रहा है, हर पहलू पर विचार कर लिया जाएगा और उसमें बहुत ही कड़ी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।